माँ बाप हमारे अनमोल रतन है, जो इनको रुलाया जो दिल को दुखाया तो लगेगा नहीं ठिकाना। इनको न रुलाना कभी, इनको न भुला, इनको न रुलाना कभी, इनको न भुला। हृदय से लगा लिया मेरी बेटी मत रो। सती मैया बोली माँ मैं यज्ञ देख लूं? बोले देख ले, और बेटी तू यहाँ पे जा, ये लोग तुझे सम्मान नहीं देंगे, तू आई चो, मेरी बेटी तो यहाँ ही ना हो जे लोग तो सम्मान ना देंगे, तू जा। सती यज्ञ में जैसे ही पहुंची है, यज्ञ मंडप को देखते ही सती का मस्तिष्क ठनक गया। देखिए परम्मा जगदम्बा भवानी, जिसकी एक भौंतरची होने पर सारे ब्रह्मांड में प्रलय हो जाए, उसका अपमान सारा परिवार कर रहा है। अब तक तो कुछ नहीं बोली, और जैसे ही मेरे भाई बहन यज्ञ में शिव का भाग नहीं देखा, नीचे से यज्ञ में जब शिव का भाग नहीं देखा सज्जनों, तो क्रोध में लाल लाल हो गई। सती ने कहा, रे ओ पिता दक्ष, तूने अब तक बेटी का रूप देखा है, आज तुझे मैं माँ का रूप दिखाती हूँ। और बालों को बिखेर कर लाल लाल आंखें, शरीर कपने लगा उस भवानी का। जगदम्बा खड़ी हो गई और बोली, सुनिए जितने यहाँ हंसी कर रहे ना, एक भी बिना दंड के नहीं बचेगा। मेरे शिव की मुट्ठी बंद हो गई कैलाश पर्वत पर। नादिया ने कहा, प्रभु क्या हुआ? मेरे शिव बोले, नादिया हट जा, मेरे आगे से हट जा, मेरी सती दुनिया छोड़कर जा रही है, मेरी सती भस्म हो रही है, मेरी मुट्ठी अगर खुल गई तो सारे संसार में प्रलय आ जाएगी। शिव ने मुट्ठी को जोर से बंद कर लिया, मेरा साहस अगर टूट गया तो पूरा संसार बिखर जाएगा। उसी समय सती ने कहा, अरे ओ दिग्गजो, और दिग्गजो दिशा मही देवो, और हे पवन देव साक्षी रहियो, और हे पवन अगर पहुंचा सको तो मेरे प्रभु से संदेशा कहियो। मेरी बात सुन लो, छत्रपतियों पृथ्वी पकड़ लेना, हे छत्रपतियों उस पृथ्वी को पकड़ लो, क्योंकि आज जगदम्बा भवानी अपने शरीर को योग अग्नि में भस्म कर रही है, अगर पृथ्वी हिल गई तो रसातल में चली जाएगी। और सुनिए, ओ ब्रह्मलोक के वासियो, और ब्रह्मांड को कस के जकड़ ले, ये सती आज भस्म हो रही है। माता सती ने अस कहियो अग्नि तनु जारा, सती मैया ने लोग कहते कुंड में कूद गई। अरे शर्म करो थोड़ा, भागवत को पढ़ लो, गलत बात है। कुंड में, अरे उस यज्ञ को सजनों कुंड में सती मैया लिखा है असक ही योग अग्नि तनु जारा, और फिर भी सजनों ना समझ बन के कुंड में कूद गई। ऐसा नहीं है, भागवत में भी नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं, ये असमानी यह कहे माने कहकर असक योग। सजनों योग अग्नि से जगदम्बा भवानी है, योग अग्नि से अपने शरीर को वही के वही बहन भाई अपने प्राण उस ब्रह्मन रंध्र से निकालकर परमात्मा में समा गई, और उस सती शक्ति पुरुष में समा गई, और सती का पार्थिव शरीर वही गिर गया, प्रलय हो गई। एक गढ़ ने जाकर कहा, शिव जी बाबा प्रलय हो गई, सती भस्म हो गई, और हमें भी मारा है दक्ष के गढ़ों ने।
क्रोध आ गया शिव को, जटा उखाड़ी। आप लोग कहते हैं ये भूत बलाए कहते हैं प्रकट कहते हैं, भाई तो सुनो इन भूतन की उत्पत्ति बताता हूँ और भूतरियन की उत्पत्ति बताता हूँ चुड़ैलन की। ये चुड़ैले कहते हैं सुनो गौर से सुनना, शिव जी ने बाल उखाड़ कर मारा उसके दो टुकड़े हो गए, एक में से वीरभद्र और एक में से भद्रकाली, दो रूप प्रकट हुए और भद्रकाली के संग में चुड़ैले डंकनी पिसाचिनी भूतनी सजनों उसके संग चली और चौसठी योगिनी संग चली और वीरभद्र के साथ में भूत पिसाच पांडव खईस मसान जिंद जितने हैं सब उनके संग चले और भन भनाते हन हनाते चमचमाते हुए चले जा रहे, कोई जीवित नहीं बचेगा, महाप्रलय कर दूंगा। और वीरभद्र ने जाकर के सजनो दक्ष के यज्ञ को बिगाड़ा, और तो सुनना जिसने एक महात्मा आए प्रभु अपनी दाढ़ी पकड़ रहे जो ऐसे दाढ़ी पे हाथ फिर रहे जब सती जल रही तब वीरभद्र ने पहले उनकी दाढ़ी उखा ली, ले जाओ एको पूसा, कभी भी किसी का अपमान हो रहा हो तो तुम्हें हंसना नहीं चाहिए,